मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस युवाओं के बीच बड़ा दांव खेलने जा रही है। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के जरिए युवाओं को पार्टी में शामिल कराने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस से जुड़ेंगे, उन्हें कांग्रेस देश के तमाम मुद्दों पर अपनी बात कहने का मौका देगी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि इससे पहले भी दो आयोजन यंग इंडिया के बोल के हुए हैं, इसमें से मध्य प्रदेश के दो विजेता रहे हैं। तीसरी बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर में इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। देश के तमाम मुद्दे हैं जिनको युवा उठा नहीं पा रहा है, उन्हें भी उठाने का मौका कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। सर्वप्रथम मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं और साथ में हमारे हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम यंग इंडिया के बोल, जो कि यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से जो देश की आवाज़ युवा उठाना चाहते हैं, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रवक्ताओं की नियुक्ति का एक बहुत बड़ा मंच है। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यंग इंडिया के बोल के दो आयोजन पहले बड़े हो चुके हैं और उसमें खुशी है मुझे ये बताते हुए कि जो लोगों का चयन उसमें हुआ था उनका पूरे देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर रैंकिंग आई थी। मतलब हमारे यहाँ से जो चुनकर गए थे उनने पूरे देश में टॉप थ्री में से जो सेकंड और थर्ड थे वो हमारे मध्य प्रदेश के थे और आज ये उसका तीसरा चरण शुरू हो रहा है और इस माध्यम से हम लोग युवाओं को एक बहुत अच्छा मंच देंगे और एक निष्पक्ष तरीके से नए प्रवक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, यूथ कांग्रेस में शामिल होने का एक जबरदस्त मौका भी मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस का ध्यान युवा वर्ग पर है क्योंकि जनता तक अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए यूथ ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।